ई सो लेट्स क्विकली राइट वन कोड विच बेसिकली यूज इज मै ऐप्स टू सोल्व प्रॉब्लम ठीक है सो so हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विच इज बेसिकली यू आर गिवन एन एरे ऑफ इन टीचर्स एंड वी नीड टू रिमूव द डुप्लीकेट्स ठीक है डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं सो दैट मीन्स अगर हमारे एरे में ऐसे एलिमेंट्स हैं सो आई नीड टू रिटर्न अ वेक्टर, एक वेक्टर रिटर्न करेंगे ठीक है इनपुट भी वेक्टर हो सकता है एरे भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है डजन मैटर सो मेरे को लेट्स से एक एरे मिला है और मुझे रिटर्न करना है वेक्टर। वेक्टर में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होंगे और उसी ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में इसमें आ रहे हैं सबसे पहले वन आ रहा है तो वन आएगा फिर टू आ रहा है फिर थ्री आ रहा है अब ये टू नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए फिर ये वन नहीं चाहिए फाइव चाहिए फोर चाहिए वन नहीं चाहिए थ्री नहीं चाहिए बिकॉज ये पहले आ चुका है सो दिस इज़ वट आई नीड टू डू ठीक है दिस इज एग्जैक्टली वट आई नीड टू डू वन थिंग दैट आई कैन डू इज वन आया वन को वेक्टर में डाल दो टू आया अब करंटली वेक्टर में जो जो है उसमें पूरे में सर्च करो कि क्या टू पहले आ चुका है अगर आ चुका है तो मत डालो वरना डाल दो थ्री आया थ्री को सर्च करो क्या वेक्टर में पहले आ चुका है आ चुका है तो मत डालो वरना थ्री को डाल दो एंड सो ऑन दैट वेज मेरे वेक्टर में शुरू में जीरो एलिमेंट्स होंगे तो पहला नंबर फटाफट इंसर्ट हो जाएगा सेकेंड नंबर के लिए मुझे पूरा वैक्टर सर्च करना पड़ सकता है यहां पर मुझे एक काम करना पड़ा यहाँ पे दो काम करना पड़ेगा थर्ड के लिए तीन काम करना पड़ेगा लास्ट वाला जो एन एथ एलिमेंट है उसके लिए मुझे, मुझे पूरा पूरा वेक्टर हो सकता है मुझे पूरा वेक्टर ट्रेवल्स करना पड़े एंड मुझे एन काम करना पड़े एन प्लस एन माइनस वन प्लस अप टू वन ये हमें पता है कितना होता है बिगो ऑफ एन स्क्वायर होता है सो so, हम एन स्क्वायर काम कर रहे होंगे हर एलिमेंट को पहले वेक्टर में सर्च करेंगे उसके बाद उसको इंसर्ट करेंगे ठीक है सो हम एन स्क्वायर काम कर रहे होंगे क्या कर सकते हैं मुझे क्विकली ये चाहिए क्या ये एलिमेंट आ चुका है कि नहीं आ चुका है हैव वी सीन दिस एलिमेंट और वी हैव नॉट सीन दिस एलिमेंट ये मुझे स्टोर करना है किसी तरह से मैप्स आर परफेक्ट फॉर दिस मुझे की के कॉरस्पॉन्डिंग स्टोर करना है आ चुका है या नहीं आ चुका सो आई जस्ट कैन टू स्टोर ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स ठीक है सो आई कैन जस्ट यूज ट्रू एंड फॉल्स दैट विल टेल मी हाँ आ चुका है सो वैल्यू विल बी ट्रू एंड की विल बी द एलिमेंट दैट आई वॉन्ट टू इंसर्ट ठीक है सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस वन क्वेश्चन दैट जनरली माइट पॉप अप इन योर हेड इज व आई आई जस्ट यूज एन एरे टू डू दिस इंटीजर है मैं क्या कर सकता हूं लेट्स फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर पांच है छः साइज का एरे लो वन आया यहां पे कर दो आ चुका है टू आया कर दो आ चुका है सो बुलियन एरे होगा थ्री आया बोल दो आ चुका है टू वो तो पहले ही आ चुका है दोबारा मत डालो वन पहले आ चुका है दोबारा मत डालो फाइव नहीं नहीं पहले नहीं आया डाल दो और अब इसको मार्क कर दो कि आ चुका है मैं ये कर सकता था आई कैन डेफिनेटली डू दैट एरे विल बी परफेक्ट फॉर दैट एज वेल इज वन स्मॉल प्रॉब्लम मान लो मेरे एरे में एलिमेंट्स ऐसे हैं थ्री टेन पार्ट फाइव थ्री टेन टू द दार्ट सिक्स टेन पार्ट सेवन एंड सो ऑन वट इज दैट मीन अब अगर तुम्हें इस नंबर को एज अ इंडेक्स यूज करना है इन एन एरे देन यू नीड एन एरे ऑफ दैट साइज टेंडर टू पार सेवन प्लस वन साइज का तुम्हें एरे चाहिएगा ताकि तुम टेंडर पार्ट सेवन को एज एन इंडेक्स यूज कर पाओ अपने एरे में द एरे रिक्वायर्ड इज ह्यूज द स्पेस रिक्वायर्ड इज ह्यूज इस केस में अगर हम एरे यूज करके एरे के अंदर इंडेक्सिंग हम यूज करेंगे देखो कैरेक्टर्स के लिए कोई फाइट नहीं थी क्योंकि कैरेक्टर मुझे पता है जीरो टू टू फिफ्टी फाइव अरे बहुत सही है सो जीरो टू टू फिफ्टी फाइव साइज का एरे चाहिए टेंडर पार फाइव साइज का एरे नहीं चाहिए इंटीजर में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है इंटीजर कितने भी बड़े हो सकते हैं एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ नेगेटिव नंबर्स एज वेल मैप्स में अगर एक मैप है तुम बिल्कुल ये कर सकते हो माइनस फिफ्टी इज ट्रू तुम मैप के अंदर टेन टू पार्ट सिक्स इज इक्वल टू ट्रू बिल्कुल कर दो कोई इशू नहीं है दिस डज नॉट मीन दैट आर मैप इज गोइंग टू टेक दैट मच स्पेस मैप इज गोइंग टू टेक वेरी स्मॉल स्पेस कंपेयर टू एन एरे दैट विल रिक्वायर टू स्टोर टेन टू पार्ट सिक्स एज एन इंडेक्स ठीक है सो so, हम एरे यूज करके नहीं करेंगे हम मैप यूज करके करेंगे ओके लेट्स क्विकली कोड इट अप। सो मेरा एक फंक्शन बनेगा दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न अ वेक्टर वेक्टर ऑफ इंटीजर्स। मुझे इनपुट में एक एरे मिलेगा और उस एरे का साइज मिलेगा ठीक है मुझे उस एरे का साइज मिलेगा एक तो मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा आउटपुट एक मुझे मेरा ये मैप बनाना पड़ेगा जिसकी की क्या होगी इंटीजर वैल्यू क्या होगी भूलिए ट्स कॉल इट सीन सो वी है अब मैं क्या करूंगा मैं एक एक करके अपने एरे पे ट्रेवल्स करूंगा पहले जीरो पे फिर फर्स्ट पे एक एक करके मैं हर एक नंबर पर जा रहा हूं अब मुझे चेक करना है क्या ये नंबर ऑलरेडी आ चुका है अगर नंबर ऑलरेडी आ चुका है वैक्टर में नहीं डालना नहीं आ चुका तो वैक्टर में डाल दो कैसे चेक करूं आ चुका है कि नहीं आ चुका आई यूज काउंट

सर्ट पेयर बना के इंसर्ट कर दे या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं सीन हो गया एंड आउटपुट के अंदर पुशपैक कर देते हैं so, जो आई ए नंबर है वो हमने देखा हुआ है तो हमने कंटिन्यू कर दिया हम ये स्टेप नहीं कर रहे दोनों नहीं देखा हुआ तो हम बोल देते हैं भाई देख लिया आप और उसको आउटपुट में पुष्टपैक कर ठीक है उसके बाद यहां से हम रिटर्न कर देंगे आउटपुट को हम यहां से रिटर्न कर देंगे देखो अगर अनऑर्डर मैप यूज नहीं करते नॉर्मल मैप यूज कर लेते तो हर नंबर को हम जब सीन करते तो लॉग इन टाइम लगता तो एन लॉग इन हो जाती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूप के अंदर हम लॉग इन काम कर रहे हैं एन बार लूप चल रहा है तो एन लॉग इन काम हो जाएगा बट अभी हमारा ये बिग ऑफ वन है एन टाइम्स बिग ऑफ वन काम करोगे तो बिग ऑफ एन हो जाएगा ओके सो दिस एब्सोल्युटली गोइंग टू वर्क फॉर यू फटाफट से नीचे एक एग्जांपल ले लेते हैं साइज कितना है इसका फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन 11 है। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है सो so, वेक्टर हम इंक्लूड करना भूल गए सो एरर दे रहा है लेट्स सी दिस फिक्सेस इट हम एक सेमीकोलन लगाना भूल गए वो लगा लेते हैं दिस कंपाइल तो हो गया so it's saying 1, 2, 3, 4, 6, 5. so 1, 2, 3, ये वाला 3 नहीं लिया उसने ये 3 पिक नहीं किया फिर 4 पिक किया फिर 6 पिक किया फिर 5 पिक किया so एलिमेंट्स आर कमिंग टू आउट टू बी यूनिक सारे आ गए यूनिक आ गए एंड उसी ऑर्डर में आए सबसे so पहले 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया फिर 4 आया फिर 6 आया फिर 5 आया so जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स हमारे एरे में थे उसी ऑर्डर में हमारे वेक्टर में भी आ रहे हैं ओके ग्रेट Thank you. For new programming updates and videos, subscribe to Coding Ninja's channel.